चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया बड़ा बयान। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन न आने और कई बुजुर्गों को पेंशन कटने के मामले में अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों की पेंशन काटी नहीं जाएगी बल्कि सरकार की तरफ से बुजुर्गों को समान बता दिया जा रहा है। भिवाड़ी में पत्रकारों के साथ बातचीत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बुजुर्गों की पेंशन को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैल रही है, लेकिन पीपीपी मोड की वजह से किसी प्रकार की दिक्कत आई है उन्हें ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीपीपी से लिंक करने की वजह से बुढ़ापा पेंशन में कई अड़चने आई है, सरकार इसको गंभीरता के साथ तुरंत दुरुस्त कर रही है। इस दौरान पत्रकारों ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने के संबंधित सवाल किया गया, जिसके जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने को लेकर वो कानून के हिसाब से कोर्ट से आग्रह करेंगे। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अपनी कर्म भूमि को और अधिक ताकत के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की रिहाई से पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। आने वाले दिनों में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान को पूर्ण रूप से लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को लूटने का काम किया। कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने किसानों के 1,000 एकड़ जमीन सस्ते दामों पर प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी थी। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।